प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ अपने प्रांतीय आह्वान पर आज हम लोगों ने 16 से और 20 तारीख तक वर्क टू रूल पे लागू किया था। हमारे यहाँ के कर्मचारियों की बहुत कमी है, 30% कर्मचारियों पर उत्तर प्रदेश की कलेक्ट्रेट काम कर रही है और सभी कर्मचारियों को जो है वो 5 बजे के बाद 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक, रात में 11-11 बजे तक काम करना पड़ता है। किंतु माननीय शासन, माननीय परिषद ना तो इस ओर ध्यान दे रहे हैं और हम लोगों के जो नए बच्चे हैं उनकी पेंशनें जो है पुरानी पेंशन की सुविधा से वंचित रखा गया है। तो पुरानी पेंशन बहाली है, उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के 10% पदों को नायब तहसीलदार पर प्रोन्नति का एक मांग हमारी बहुत पुरानी लंबित है और बहुत सी मांगें हमारी जो हैं वो 22 सूत्री मांगों में से स्वीकृत होकर माननीय कैबिनेट की समक्ष जो हैं प्रस्तुत हैं, लेकिन शासन स्तर से, परिषद स्तर से उनको स्वीकृति प्रदान कर दी गई, मात्र कैबिनेट स्तर से उनको स्वीकृति होनी है वो नहीं की जा रही है। विगत 5 वर्षों से सारी मांगे वहाँ पर उस पटल पर लंबित हैं। हम लोग काफ़ी समय से इसके लिए संघर्षरत रहता है हमारा पूरा प्रांत और उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोगों ने भी 22 सूत्रीय मांगों को पूरा कराने के लिए प्रांतीय आह्वान पर आज हम सब लोग यहाँ पर 1 दिवसीय धरने पर यहाँ हैं। हम लोग 11 बजे से 4 बजे तक इस धरने को विरोध स्वरूप प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से